दोस्तों मेरा नाम है राहुल नामदेव, आप देख रहे हैं नामदेव जी टेक्निकल। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अगर कोई इंटरनेट पे किसी वेबसाइट पे ऑनलाइन काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, आप अर्निंग करते हैं किसी वेबसाइट से, या फिर आपने अभी अभी स्टार्ट किया है किसी ऑनलाइन वेबसाइट पर ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम करना स्टार्ट किया है, तो आपको वो वेबसाइट वो ट्रस्टेड है कि नहीं, वो वेबसाइट ओके है कि मतलब फ्रॉड है कि रियल है, तो उस वेबसाइट को आपको चेक करना है तो आप किस प्रकार से चेक कर सकते हो, तो ये आज का मेरा वीडियो इसी टॉपिक पे है। आप जिस भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, तो करने से पहले अगर आप कर रहे हैं तो भी आप चेक कर सकते हैं, और अगर आप किसी वेबसाइट पे काम करना चाह रहे हैं, स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो स्टार्ट करने से पहले, अपना टाइम वेस्ट करने से पहले आप इस वेबसाइट को इसको चेक कर सकते हैं कि ये रियल है या फ्रॉड है। तो कैसे चेक करना है वो बहुत सिंपल सी ट्रिक है। वो एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे आपको उस वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करके पेस्ट कर देना है, फिर आप उस पर ईजिली चेक कर सकते हैं कि जिस वेबसाइट पे आप ऑनलाइन काम करना चाह रहे हैं वो ट्रस्टेड है या फिर फ्रॉड है, ये आप चेक कर सकते हैं। तो मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आपको लेके बता देता हूँ चल के कि कैसे चेक करना है कि आप जिस ऑनलाइन वेबसाइट पर काम करना चाह रहे हैं वर्क फ्रॉम होम, वो रियल है या फिर फेक है। तो चलते हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, हम इसी प्रकार की वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं, अब हम आपको बताते हैं कि आपको कैसे चेक करना है आप जिस ऑनलाइन वेबसाइट पे काम कर रहे हैं वो ट्रस्टेड है या फिर फेक है। तो अभी मैं गूगल क्रोम के होम पेज पे जाता हूँ ताकि आपको बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से बता सकूँ। कुछ वेबसाइट पहले से ओपन थे, इनको क्लोज़ कर देता हूँ। दोबारा से एक बार गूगल क्रोम ओपन किया, उस वेबसाइट को ओपन कर लेना जिस वेबसाइट पर अपन काम करते हैं। जैसे कि एक बहुत ही फेमस वेबसाइट है appn.com, ठीक है, appn.com हमने ओपन कर ली। अब हमें चेक करना है appn.com, ये जो वेबसाइट है ये ट्रस्टेड है, रियल है या फिर फेक है, ठीक है। जैसे आप लोग काम करते हैं तो आपको तो पता है कि यार ये, आप लोग कहेंगे कि रियल है, लेकिन चेक कैसे करना है, हमें वेबसाइट पर क्लिक करना है। अभी देख सकते हैं वेबसाइट का URL कॉपी करने के लिए आ रहा है, तो इसको हम कॉपी कर लेंगे। ये बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हमने appn.com का URL कॉपी कर लिया है। अब हम न्यू टैब ओपन करेंगे। ये सारा प्रोसेस मैं मोबाइल में बता रहा हूँ इसीलिए, नहीं तो लैपटॉप पे बताता तो थोड़ा इजी होता, लेकिन मोबाइल, बहुत सारे यूज़र्स मोबाइल पे ही काम करते हैं तो मोबाइल पे बता रहा हूँ। अभी आपको क्या करना है, नया टैब ओपन करके आपको लिखना है ट्रस्ट पायलट आपको लिख के सर्च करना है। ये स्टार वाली वेबसाइट दिख रही है, इस पर आप डायरेक्ट क्लिक भी कर सकते हैं, बट मैं सर्च कर दूंगा। सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं ये पहली वेबसाइट ट्रस्ट पायलट को ओपन कर लेना है। ये एक ट्रस्ट पायलट ऐप जो वेबसाइट है, इसका काम रहता है कि ये रिव्यूज़ चेक करती है उस वेबसाइट पे क्या लोगों के रिव्यूज़ हैं, और ये ट्रस्ट पायलट वाले भी पर्सनली वेबसाइट को चेक करते हैं वेबसाइट ट्रस्टेड है या फिर फेक है। तो ये वेबसाइट ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं ये वेबसाइट ओपन हो गई है। इसका मेन इंटरफेस ये है, कंपनी और कैटेगरी ये जो आ रहा है सर्च का, तो इसमें हमें जो हमने कॉपी किया था उस कंपनी का appn का जो URL कॉपी किया था, इसको हमें यहाँ पेस्ट कर देना है। लॉन्ग प्रेस करेंगे तो appn का पेस्ट करने के लिए आ जाएगा, सर्च कर देंगे, ठीक है। और जैसे हमने appn सर्च किया, आप देख सकते हैं कि 1.9 की रेटिंग आ रही है, 5 का रेटिंग रहता है, 5 में से 1.9 की रेटिंग आ रही है, मतलब ऑलमोस्ट ये वेबसाइट बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं बोल सकते और बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं बोल सकते, बट ये फेक की तरफ ज़्यादा इशारा कर रहा है। 1.9 मतलब फेक मान सकते हो आप इस वेबसाइट को, इस पर काम करना या तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा इसीलिए उन्होंने appn के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिव्यूज़ दिए हैं, या तो ये रियल में लोगों को प्रोवाइड नहीं करा रही है, पैसा सिर्फ काम करा ले रही है और जब पे आउट करना होता है तो शायद कुछ इश्यू आ रहे होंगे इस वेबसाइट पे, इसीलिए लोगों ने इसको बहुत गंदा रिव्यू दिया है। और ट्रस्ट पायलट पे जो रिव्यूज़ आते हैं उसका मतलब ये होता है एकदम करेक्ट, ट्रस्ट पायलट पे जो दिखाता है वो एकदम परफेक्ट होता है। अगर ट्रस्ट पायलट पे अगर आपको दिखाया कि appn इज़ नॉट गुड वेबसाइट, तो आप इस पर काम ना करें। अगर ट्रस्ट पायलट पे अगर 3 भी स्टार आते हैं ना, 3 स्टार भी अगर किसी को शो करता है, तो आप उस पर काम कर सकते हैं, उसको आप ट्रस्टेड मान सकते हैं, रियल मान सकते हैं। अब हम एक वेबसाइट और चेक करते हैं, हमने appn.com चेक किया, हम दोबारा से बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद हम एक दूसरी वेबसाइट पे हमें सर्च कर लेते हैं। दूसरी वेबसाइट है हमारी ईगा वर्क, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस वेबसाइट है,
ईगा वर्क पे बहुत सारे लोग काम करते हैं और बहुत सारे लोगों के बीच ये पॉपुलर वेबसाइट है और बहुत सारे लोग इस पे काम करना चाहते हैं, सोचते हैं काम करेंगे ईगा वर्क पे। तो उन लोगों को जो ईगा वर्क पे काम स्टार्ट करना चाहते हैं ऑनलाइन, उनके लिए भी एक अच्छा वीडियो साबित होगा। मैं चेक करके बताता हूँ ईगा वर्क ट्रस्टेड है, रियल है या फिर फेक है, ठीक है। तो ईगा वर्क ओपन हो चुकी है वेबसाइट, इस पे हमें इसका URL कॉपी कर लेना है, इसका लिंक हम ऊपर से कॉपी कर लेंगे। अब सिंपली हम अपने जो सेकंड जो टैब में हमारा ट्रस्ट पायलट ओपन है, इसको हम वहाँ से जो कॉपी किया था उसका लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अभी सर्च करेंगे और आप देख सकते हैं ईगा वर्क पे तो बहुत ही कम रेटिंग, 1.6 स्टार की रेटिंग है, मतलब ये बहुत ही घटिया बताया गया है ईगा वर्क पे, ठीक है। तो ईगा वर्क वेबसाइट पे भी आप काम ना करें। और पर्सनली मैंने भी ईगा वर्क पे जो देखा था तो उसमें ये है कि स्टार्टिंग में इस पे एडवर्टाइज देखने पड़ते हैं। आप रजिस्ट्रेशन करोगे ईगा वर्क पे, आप एडवर्टाइज देख देख के आप $1-2 तक अर्निंग कर सकते हो, और लेकिन जब वो पे आउट करोगे आप $1 या $2, तो ईगा वर्क पे आउट करने के लिए आपको $150 करने पड़ते हैं। स्टार्टिंग में आप 100 या 120 डॉलर तो कर लोगे, लेकिन लास्ट के जो $30 है वो आप कभी अचीव नहीं कर पाओ, क्योंकि फिर इतना कम रेट मिलता है ऐड देखने का, $0.0001 या $0.002, मतलब आप फिर हजारों लाखों ऐड भी देखेंगे तब भी आप वो लास्ट के $30 आप नहीं कमा पाएंगे, मतलब आप $150 कर ही नहीं पाएंगे कितना भी आप ऐड देख लो। जब आप $150 कर नहीं पाएंगे तो आप पे आउट भी नहीं कर पाएंगे। तो ये जो वेबसाइट का फंडा है ईगा वर्क पे, स्टार्टिंग में अच्छा लगता है, आप ऐड देख रहे हो आपको $1.5 मिल गया, $2 मिल गया, $1.5, $1.3 मिल गया, लेकिन बाद में क्या होता है, जब आप $100 कमा लेते हो उसके बाद ये होता है कि आपको इतना सस्ता ऐड मिलता है 0.001 कि आप फिर लाखों ऐड भी देख लेंगे ना, आप $150 नहीं कर पाएंगे और आप वहीं फंस जाएंगे, ईगा वर्क वाले आपसे काम निकलवा लेंगे और पेमेंट कुछ मिलता नहीं है। ये ईगा वर्क का मैंने भी पर्सनली चेक किया है, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो इसीलिए ईगा वर्क या फिर एप्पन इन वेबसाइट पे काम ना करें, कुछ ट्रस्टेड वेबसाइट जो रियल में हैं उनको आप काम करने से पहले उनका URL आप ट्रस्ट पायलट पे चेक कर लें। अगर ट्रस्ट पायलट पे उसका रेटिंग अच्छा दिखाता है देन आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। तो आई होप यू गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि हम जिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, वो किस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं वो रियल है या फेक है। तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, इस प्रकार की वीडियो बनाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।